আপনারা দেখছেন চাকুলিয়া টাইমস, আমি সীমা রয়েছে আপনাদের সঙ্গে। আসছি বিস্তারিত খবরে। শহীদ সম্মান যাত্রা এসে পৌঁছলো চাকুলিয়া থানার কানকিতে এবং কানকি বাস স্ট্যান্ডে। সেখানে বিজেপির তরফ থেকে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিককে সংবর্ধনা ও বরণ করে নেওয়া হয়। এরপর তিনি কানকি রামদেব বাবার মন্দিরে পুজো দিলেন। পুজো দেওয়ার পর পুরো কানকি মন্দির পরিক্রমা করেন তিনি এবং সেখানে দুপুরের খাবার খেলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক। সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা রায়গঞ্জের সাংসদ দেবশ্রী চৌধুরী এবং চাকুলিয়া বিজেপি নেতা শচীন প্রসাদ ও অন্যান্য বিজেপি নেতৃত্ব। डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि आज केंद्रीय प्रतिमंत्री निशीथ प्रामाणिक जी कानकी में आए और यहाँ पे कार्यकर्ताओं ने उनको अच्छे तरीके से स्वागत किया। एक शहीद सम्मान यात्रा का जो है बोर्ड लगा हुआ था, क्या विषय है? विषय ये है कि टीएमसी गवर्नमेंट में आने के बाद पोस्ट इलेक्शन वायलेंस यहाँ हुआ है, ऐसी बर्बरतापूर्ण हुई है कि आप मैं क्या बताऊँ। लोग के खेतों में झंडा लगा दिया गया है, बोला खेत उनका है। महिलाओं पे अत्याचार हुआ है। आप गवर्नमेंट में आए, आपका हम लोग सम्मान करते हैं कि आप गवर्नमेंट में आए हैं, आप काम कीजिए, डेवलपमेंट कीजिए, विकास कीजिए, लेकिन ये अर्थ तो नहीं है कि आप हत्याएं करेंगे हमारे कार्यकर्ताओं का। तो उनको मरहम लगाने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनके दुख सुख को जानने के लिए, उनके परिवार के आंसू पोंछने के लिए हमारे माननीय स्वराष्ट्र मंत्री निशीथ प्रामाणिक जी, देवश्री चौधरी जी एमपी, यहाँ के जो एमएलए साहब है रायगंज के, वो आए हुए थे, कलियागंज के एमएलए आए हुए थे, सभी का आंसू पोंछने का काम किया, वहाँ पर गए हैं और परिवारों से मिले हैं और जो भी कठिनाइयाँ उनसे उनको दूर करने की कोशिश करेंगे और उस परिवार को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। शहीद सम्मान यात्रा यही है कि उत्तर बंगाल की जो बात चले, निशीथ प्रामाणिक जी भी उसमें जो है, उनका भी बयान आया था कि उत्तर बंगाल को जो है अलग राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। उस लड़ाई में अभी तक आप लोग कहाँ तक पहुँचे और क्या? उस लड़ाई में मेरा ये कहना है, ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है जी, ये नेशनल सिक्योरिटी की बात है। ये चिकन नेक ऑफ इंडिया है, यहाँ पे चाइना की नज़र है, यहाँ पे बांग्लादेश की नज़र है और विदेशी ताकतों की यहाँ नज़र है। तो ये इसको अगर कोई एरिया को अगर केंद्र शासित किया जाता है, इसका मतलब है हमें घुसपैठियों को हमें रोकना है, पहाड़ी ताकतों को रोकना है। लोग इसको राजनीतिकरण करते हैं, बोलते हैं कि नहीं ये टीएमसी और बीजेपी की लड़ाई है ताकि अलग कर दे। ये बीजेपी टीएमसी की लड़ाई नहीं, ये नेशनल सिक्योरिटी की बात है। तो ये लड़ाई, और मेरा भी ये मानना है कि नॉर्थ बंगाल होना चाहिए। दूसरी बात तो मैं ये भी कहूँगा, मैंने यहाँ पर चुनाव लड़ा हूँ, मैं यहाँ का प्रार्थी रहा हूँ, नॉर्थ बंगाल को हमेशा पराया देखा गया है। यहाँ जो भी चीज़ आते हैं वो साउथ बंगाल के लिए आते हैं, वहीं के लोग का डेवलपमेंट है, वहीं के एरिया का डेवलपमेंट है, हमारे यहाँ का डेवलपमेंट है। यहाँ का टी बोर्ड है, टी में कितने लोग बेरोजगार है कि मैं क्या बताऊँ, आप ही खुद ही जानते हैं। तो इसलिए किसी को डेवलप करने के लिए केंद्र क्या है, वो तो हमारा इंडिया है जी। आप जनता से चुनी हुई सरकार है, वो उसको चलाएगी, ज़्यादा फंडिंग करेगी। मैं चाहता हूँ कि ये राज्य बने। ठीक है, धन्यवाद।